Hi everyone, welcome to our YouTube channel Travel Snapper. टॉप 5 वाटरफॉल ऑफ झारखंड कंटिन्यू करते हुए आज हम जा रहे हैं हुंडरू फॉल, जो कि झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ऑल इंडिया रैंक है इसकी 34। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। हुंडरू वाटरफॉल रांची प्लेचू के एज पे सिचुएटेड है और इसकी दूरी कैपिटल सिटी रांची से कुछ 45 किलोमीटर के आसपास है। ये वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इस फॉल की टोटल ऊंचाई लगभग 98 मीटर है और वाटरफॉल जो है वो सेगमेंटेड टाइप है के दो मेजर ड्रॉप है और फ्लो वाइड स्प्रेड है। विजिट करने का जो सबसे प्रेफरेबल मंथ है वो सितंबर से लेके फरवरी तक है। मिड मार्च तक आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद गर्मियां शुरू हो जाती हैं। मॉनसून भी एक अच्छा एक्सप्लोरेशन मंथ हो सकता है जो मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक होता है। गर्मियों में आप ना आए तो बेहतर है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रास्ते में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हुंडरू के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेजर है वो कैपिटल सिटी रांची ही है। वहाँ से आप लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं। कुछ बसें चलती हैं जो आपको आधे रास्ते तक अनगढ़ा तक ला सकती है, जहाँ से फिर आपको लोकल ऑटो हायर करना ही पड़ेगा नेक्स्ट 22 किलोमीटर के लिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टाटीसिल्वे है, जहाँ से फॉल की दूरी कुछ 35 किलोमीटर के आसपास है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रेफरेबल ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो सेल्फ ड्राइव है या फिर आप लोकल टैक्सी रांची से हायर करें, क्योंकि वो रूरल एरिया है। लास्ट का 20-22 किलोमीटर का पैच और अगर आप आसपास की कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं। मैं आज अपने बाइक से जा रहा हूँ। इसके दो रास्ते हैं, अगर आप चाहें तो आप ओरमांझी की तरफ से आ सकते हैं, जिसको लोग ओल्ड एज पी रोड भी बोलते हैं, या रांची पुरुलिया रोड से भी आप जा सकते हैं। तो मैं रांची पुरुलिया रोड से जा रहा हूँ। इस रोड से आपको अनगढ़ा तक ड्राइव करना है। जैसे आप अनगढ़ा क्रॉस करेंगे आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा वेलकम टू हुंडरू फॉल, आपको वो रास्ता लेना है और आपको सीधा वो व्यू पॉइंट तक लेके जाएगा। रास्ते में आपको बीच में बहुत ही खूबसूरत नजारा है, कहीं कहीं आपको नदी क्रॉस करती मिलेगी, पहाड़ है, गेदलसूट डैम का एम्बाकमेंट है, जंगल है और छोटी वैली है। चलिए चलते हैं। हम इस पैंडमिक में आए हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, ये तो बंद है, हम यहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो हम इसके दूसरे साइड में जहाँ जो फॉल का टॉप है वहाँ से हम वैली देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ अपने बहुत छोटे छोटे झरने हैं लेकिन खूबसूरत दिख रहे हैं और यहाँ से वैली जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। और इन पत्थरों के ऊपर वो इन्होंने जिपलाइन भी शुरू किया था लेकिन अभी सब कुछ बंद है तो पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे निराश होने की बात नहीं है, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे और देखेंगे। चलिए वापस चलते हैं। ये मेजर पुल है, अगर आप एचपी रोड से आएंगे तो आप पुल के उस साइड आएंगे, आपको ये पुल क्रॉस करके फिर आपको व्यू पॉइंट तक जाना होगा। हम ये सिंगल लेन रोड ले रहे हैं, नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं से तो व्यू मिलेगा ही, ये सोचकर हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा डिटोरेटिंग है लेकिन हमें ऐसे रास्ते पसंद है, हमें अच्छा लगता है कि इन रास्तों पे बहुत कम लोग आते हैं और हम आए। चलिए देखते हैं ये हमें क्या दिखाता है। लेकिन ये रास्ता वाकई खूबसूरत है, वैली है, जंगल है और हाँ अब तो हमें कहीं कहीं से वाटरफॉल भी दिखने लगा है। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। ये रास्ता तो हमें ये कुछ अजीब सी जगह पर लेकर आया है, क्या है? ओ, ये एक छोटा सा हाइड्रो पावर स्टेशन है, स्वर्णरेखा हाइड्रो पावर स्टेशन। बहुत कम मेगावाट कैपेसिटी का है लेकिन ठीक है, ऑपरेशनल है। देखते हैं, इन दीवारों पे सीढ़ियां तो नजर आ रही हैं, हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और देखते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। इन सीढ़ियों से ये फॉल बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि हम थोड़ी ऊंचाई पे है लेकिन स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये सीढ़ियां नीचे भी जा रही है तो हम नीचे भी जा सकते हैं, क्या खूबसूरती है। ये मॉनसून के जस्ट बाद हम आए हैं इसलिए फ्लो बहुत अच्छा है, आप अगर गर्मियों में आएंगे तो फ्लो कम हो सकता है। और व्यू पॉइंट के नीचे एक बाथ बेसिन जैसा बना हुआ जहां आप नहा सकते हैं या फिर आप इन जगहों पे नहा सकते हैं। ये जो वॉल है ये हाइड्रो पावर स्टेशन को प्रोटेक्ट भी करता है और फ्लो कभी अगर बहुत ज्यादा भी हुआ तो ये क्रॉस नहीं करेगा। आप इस फॉल का हमारे साथ आनंद लीजिए। हम इससे और ज्यादा करीब नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो वुडन ब्रिज यहाँ पे हुआ करता था वो टूटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं चाय की दुकान भी टूट हुई है। पता नहीं क्या है इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन झरनों में, जब भी आता हूँ खो सा जाता हूँ। आसपास ये कुछ और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस वॉल से हम इस साइड आए हैं और हमें ये वाटरफॉल दिखा है, अगर हम वॉल के उस साइड जाएंगे तो हमें पावर स्टेशन का बर्ड आई व्यू दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। ये हम उसके दूसरी साइड जा रहे हैं, हमारे बाईं तरफ पावर स्टेशन है और यहाँ से तो डर कुछ ज्यादा ही लग रहा है क्योंकि मैं ऊंचाई से डर
करता हूँ और हमेशा एक फोबिया रहता है कि अगर पैर फिसल गया तो हम ये पावर स्टेशन और जो कैनल पावर स्टेशन तक पानी लेके आती है उसका डिस्चार्ज इधर से होके जाता है और आगे ये जंगल में ये हो जाता है। ये था यहाँ का थोड़ा एक्सप्लोरेशन, चलिए वापस चलते हैं। तो अगर आप हुंडरू वाटरफॉल आ रहे हैं तो आप ये पावर स्टेशन भी घूम सकते हैं और जाते समय मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, गेतलसूद डैम। और अगर आप ओरमांझी की तरफ से आ रहे हैं तो आप ओरमांझी में ही भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल गार्डन के नाम से एक जू है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। यहां से वापस जाते समय अगर आप एचपी रोड वाला रास्ता लेते हैं तो आपको बाईं तरफ मुड़ना होगा और अगर आप हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाते हैं तो आपको दायां मुड़ना होगा। हम एचपी रोड की तरफ से जा रहे हैं इसलिए हम आ रही है बाईं साइड पे आएगा, एक छोटा सा जंगल आएगा और फिर वो डैम के मेन वॉल के पास खुलता है। तो ये है वॉल, यहाँ से डैम शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, डिस्चार्ज देखेंगे। अभी मॉनसून का मौसम है इसलिए ये वाटर लेवल ज्यादा हो गया, ये हमेशा डिस्चार्ज करते रहते हैं और आप फील कर सकते हैं डैम मेरे पैरों में फील हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर करंट है। चलिए हम आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ये है मेन डैम, डैम का मेन वॉल जहाँ से पूरा डैम दिखता है वो इसका डिस्चार्ज गेट है और ये हमारे आज के डेस्टिनेशन का आखिरी एक्सप्लोरेशन पॉइंट भी है। मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूँ स्टे से रिलेटेड। हुंडरू के आसपास स्टे की कोई सुविधा नहीं है, कोई गवर्नमेंटल गेस्ट हाउस या कुछ भी नहीं है, तो आपको अपना स्टे रांची में प्लान करना चाहिए। ट्रेडिशनल खाने के बारे में मैंने जोना ब्लॉग में बहुत सारे ट्रेडिशनल खाने के बारे में बताया था, और भी ब्लॉग जो झारखंड से रिलेटेड है उसमें मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। उसके अलावा अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ के बहुत सारे डिजर्ट है जैसे लखठो, बालूशाही, लौंगलता, खाजा, ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मानसून के सीजन में आ रहे हैं तो यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स आप ट्राई कर सकते हैं, कुखड़ी जो वाइल्ड मशरूम है एक तरह का, रुगड़ा फुटको जो मशरूम फैमिली का ही है लेकिन वो अंडे जैसा होता है और उसके अंदर अंडे जैसा ही जैसे अंडे में येलो होता है इसके अंदर कुछ ब्लैक तरह का एक होता है, और बैम्बू सूट इलीगल है तो आप उसका ख्याल रखें। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ट्रेडिशंस है यहाँ पे खाने के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप हुंडरू फॉल आ रहे हैं और अगर आप एचबी रोड से आ रहे हैं तो आप ओरमांझी में जो जू है भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल गार्डन वो देख सकते हैं, गेतलसूद डैम देख सकते हैं और स्वर्णरेखा पावर स्टेशन देख सकते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो आप जिपलाइन जो अभी शुरू हुआ है आप उसका स्लाइड ले सकते हैं, ट्रैकिंग आप जहाँ चाहें वहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फिशिंग कर सकते हैं। जैसे हम जिस रास्ते से आए हैं आपने एम्बार्कमेंट एरिया में देखा होगा कि बहुत सारे बोट रखे हुए थे, वो फिशिंग बोट थे, सुबह सुबह आके आप फिशिंग का मजा ले सकते हैं। खरीदना है तो आप वो फिश खरीद सकते हैं जो आप फिशिंग से सुबह सुबह मार्केट में आते हैं, और लोकली मेड हैंडक्राफ्ट आप खरीद सकते हैं। फ्यूल स्टेशन अक्रॉस द हाईवे हर जगह अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश करें कि अनगढ़ा वो आप समझे कि वो मेजर स्टॉप है तो अनगढ़ा से पहले ही आप फ्यूल ले लें। इमरजेंसी रिपेयर अनगढ़ा तक हर जगह अवेलेबल है। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है, केवल स्वर्णरेखा पावर स्टेशन वाला पैच थोड़ा सा डिटोरेटिंग है और जो गेतलसूद डैम के ऊपर जो रोड है वो थोड़ा डिटोरेटिंग है तो आपको उसका ख्याल रखना है। मेडिकल इमरजेंसी अनगढ़ा में अवेलेबल है। ड्राइविंग अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वंडरफॉल से रिलेटेड और भी ज़्यादा तस्वीरें देखने के लिए, ब्लॉग पढ़ने के लिए, डिटेल ट्रैवल गाइड के लिए हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं, हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर से। आप झारखंड में कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए, वी विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम सपोर्ट अक्रॉस द स्टेट। जाते जाते कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एट द हाईएस्ट नोट। अपना ख्याल रखिए।